छोटा था मेरा एक दोस्त है भूरा भूरे के फैंस तो फिर बीच में भूरे की कहानी सुनाई दे दो ठीक है चलो। तो भूरा मेरे को मेरा दोस्त है मेरे को उसके घर पे मैं खेलने गया था छोटा था मैं तो उसकी माँ ने बोला बेटा जमीन है जजे बेटा खाना खा के जाना तो खाना अपनी कमजोरी है मैं बोला ठीक है जम के जाएंगे बताओ कहाँ है फ्रिज मैं समझ गया खाना खाने बोल रही तो मैं बैठ गया खाना आया भूरे का बाप बैठा है बाजू में और किचन में आवाज लगाया दक्षा दाढ़ में खांड ओछी छे दक्षा दाल में शक्कर कम है आई वाज लाइक दाल में शक्कर है और ये शक्कर को खांड बोलते ये खांड कितना वियर्ड वर्ड है उसमें से अगर एक अल्फाबेट निकाल दो दोस्तों डी निकाल देंगे तो वो खान हो जाएगा तुम लोग सब नीच हो सब लोग जज कर रहे कितना गंदा हूं मैं सच में ना दो लोग दोस्त बात करेंगे यार शिट यार अपन कितने गंदे यार मैंने सोचा गांड तो वो बोल रहा है ओ तो तेरे से ज्यादा गंदा मैं हूं अब बैठे हुए खाना मैं बोला अभी अपने को नहीं जमता है अपने को आदत नहीं है बचपन से स्पाइसी खाने की आदत मुस्लिम फैमिलीज में स्पाइसी खाना बनता है आप लोग सबको पता है मीठी दाल कौन खाए तो वहां पे थी मिर्ची आई वाज लाइक बैलेंस करते मैंने मिर्ची उठाई खाई अब वो थी भरेला मरचा आई टेल यू व्हाट भरेला मरचा इज मिर्ची रहती है उसको काटते उसके अंदर बेसन डालते बेसन के अंदर शक्कर डालते वो मिर्ची है वो बनी है तीखा खाने के वास्ते मैं बोला ये अपने से नहीं होएगा भाई अपने को नहीं आदत बचपन से स्पाइसी खाने के मुस्लिम लोग है यार हम लोग वेडिंग में भी ऐसा फोटो लेने के टाइम पे चीज की जगह बीफ बोलते अरे आ जाओ अरे सब लोग नहीं आ रहे अरे तो इतने बच्चे नहीं पैदा एंड आई थिंक यही रीजन है यही थ्योरी है मेरा कि गुजराती लोग शक्कर इतना खाते ना इसलिए स्वीट है और सही में गुजराती लोग आप लोगों को लगता है बहुत स्वीट होते मेरा तो ये तक का थ्योरी है कि अगर हिटलर को सब जानते अगर हिटलर गुजराती होता तो World War II नहीं होता नहीं सही में आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है नहीं सही में मेरे पास थ्योरी है पूरा उसका नाम हितेश होता उसका हिटलर जैसा मूछी था जेठालाल हिटलर का साइन पता है क्या था ऐसा हेल हिटलर इसका क्या रहता हितेश का रोकड़ा बढ़िया बढ़िया आदमी होता हितेश होलोकॉस्ट के बारे में पता है आप लोगों जिसको नहीं पता होलोकॉस्ट के बारे में हाथ ऊपर बता दो आपको 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 ठीक है होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता मैं बताता होलोकॉस्ट जूइश लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर्स जमा किया था उसमें भड़काव करके मार डाला था ठीक है हितेश होता तो होलोकॉस्ट नहीं होता हालो हालो कॉस्ट होता वहां पे लगे हुए होते खाने के काउंटर्स ढोकले के काउंटर्स खाखरे चाइनीज लोग आ रहे चॉपस्टिक लेके बोले ये डांडिया छे लाओ जूइश लोग को हितेश इतना ढोकला खिलाता उन लोग गैस से मर जाते और हिटलर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हिटलर वॉज अ प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर पता है आप लोगों को ही वॉज प्योर वेजिटेरियन एनिमल लवर That's a fucking Gujarati thing. वो खुद का रेस्टोरेंट खोल सकता था स्वस्तिक प्योर वेज
ये जोक मैं आईक्यू टेस्ट करने के लिए करता हूँ लोगों सर जीरो बढ़िया होता। और आप लोगों को पता है हिटलर ने क्या कहा होगा जब कैदियों को ऐसा डिटेंशन सेंटर में डाला होगा कि कैदियों को खाना मत दो गांड मार दो। हितेश बोला होगा ना खाना दो थोड़ा खांड डाल दो। एंड आपको पता है हिटलर का ड्रीम क्या था? किसी को पता है हिटलर का ड्रीम क्या था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। That sounds like a Gujarati dream. But अगर गुजराती होता तो किसी को मार के दुनिया मुट्ठी में नहीं करता, सिम कार्ड बेचता हो दुनिया मुट्ठी में।